हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। अ स्मॉल थ्री फिंगर तरीके टेक्निक। बिफोर दिस वीडियो आई हैव ऑलरेडी गिवन अ थ्री फिंगर टेक्निक वीडियो, बट दिस इज अ न्यू वन। सो इट स्टार्ट्स लाइक धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तेरे किट तक ता तेरे किट तेरे किट देन विद द ता ता तेरे किट तक तक तेरे किट तक तेरे किट तक ता तेरे किट तेरे किट। ओके, तो इसे इसके बोल हैं धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तेरे किट तक ता तेरे किट तेरे किट। फिर जैसे खाली बजाते हैं ता तेरे किट तक तक तेरे किट तक तेरे किट तक ता तेरे किट तेरे किट। एक बार बहुत धीरे से बजा के आपको बताता हूँ। तो इसमें देखते हैं कि मैंने इंडेक्स फिंगर यूज किया है। आई एम यूजिंग ओनली द इंडेक्स फिंगर टू स्टार्ट द तक। आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। देखिए, तबला जो बोल हैं उसकी उत्पत्ति सबके सब घराने के सब गुरुओं के अलग अलग हैं, ठीक है। सो धा इसमें ऐसी कोई नहीं कि वो गलत है या तो ये सही है, ठीक है। आप जिस तरह बेहतर साउंड निकाल सकते हैं, बेसिकली ये हर चीज़ साउंड उत्पत्तन या तो कह सकते हैं उत्पत्ति का एक तो ढंग है, लहजा है, ठीक है। धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक, फिर से तो किट ध्यान दीजिएगा, फिर से तेरे किट तक ता तेरे किट। आप देख रहे होंगे सीआई है एंड आई एम ओनली हिटिंग इन द सेंटर। ओके, आई एम नॉट फोकसिंग, आई एम नॉट शिफ्टिंग एनीथिंग। सो धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तेरे किट तक ता तेरे किट तेरे। फिर से धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक। आप ये भी ले सकते हैं धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक तेरे किट तक ता तेरे किट तेरे किट। तो मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, बेसिकली हम सब रियाज करते हैं, तो मैं तीनों बार बजाता हूँ तो तीनों उंगली से तक अलग स्टाइल से लेते हैं हम। तो आई कंसिडर टेकिंग तक फ्रॉम थ्री फिंगर्स, फर्स्ट दिस देन दिस देन दिस। सो धा तेरे किट तक तक तेरे किट तक ता तेरे किट तक, फिर ये तक थोड़ा मुश्किल होते हैं ऊंची लय में, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं इसे तक बजाता हूँ। तो ठीक है, तो ये आप कीजिएगा। इसके बोल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर देखिए, और एक चीज है, अगर मैं किसी चीज का वीडियो डालता हूँ और उसके बोल अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो मुझे थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि हिंदी जो कीबोर्ड है मेरे पास नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव दैट हिंदी कीबोर्ड, सो आई टाइप इट इन इंग्लिश एंड टाइपिंग इन इट अ पर्टिकुलर बोल एंड वेरिएशंस इन इंग्लिश टेक्स टाइम। आई नीड टू टेक टाइम एंड आई हैव टू राइट इट डाउन। सो इफ़ समवन कैन हेल्प मी इन दिस, दैट वुड बी गुड।
and thanks to Rita Jyoti. Okay, he is helping me out. Thank you very much. Another thing is, लोग पूछ रहे थे about how to balance the बायां. I couldn't understand your question first, means what is about balancing. I think you are asking about the tuning of the बायां. See, it is the preference of artist. You have to be with your instrument in order to understand the tuning and everything. Some say that it has to be the same octave as of the ta or the sa in which the tabla is tuned. Then the same octave of ta as, you have to make it equal, or you have to make it a down, or you have to figure out the chord of the sa. If it's in G sharp, this particular tabla, then you have to find out how G sharp chord is made. Then you can add it to the pa or the ga. Okay, but generally I'm talking about, if you want to tune your baya, ensure that first it is well made. Okay, and the pegs which you use is of the wood, not the plastic ones. Okay, and rest is, you have to bring it to all equal level like this. And if you want that your ghe should sound much softer like this, means you have to pull the exact, if you are hitting the ghe up here, agar aap ghe yahan baja rahe hain, theek hai, to iske gatte aapko upar uthane padenge. To aapke ghe to hi preference ke hisab se hai. अगर आप चाहते हैं कि घे के बोल थोड़ा से ट्रेबल के साथ और मिड्स थोड़ा ज़्यादा रहें उसमें, इफ़ यू वांट इट शुड साउंड अ बिट शार्पर एंड द अटैक शुड कम वेरी नाइसली इन द माइक्रोफोन, देन ब्रिंग इट टू द सेम लेवल एंड इंश्योर दैट दिस पार्ट इज एज इक्वल टू द होल मेम्ब्रेन. टाइट रहना चाहिए नीचे की तरफ, ठीक है. और आप इसको चाहते हैं कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट आए तो ऊपर कर लीजिएगा. इफ यू ब्रिंग इट अपसाइड इट्स मच मोर सॉफ्टर. सी, आई डोंट नो इफ द फोन कैन रिकॉर्ड द डायनामिक्स. कैन ब्रिंग इट डाउन अगेन इफ यू वांट इट. यू सी द डिफरेंस. और थोड़ा नीचे लाते हैं. एंड द विपिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वाइल प्लेइंग द बाया. इफ यू आर प्लेइंग इनिशियली व्हेन वी लर्न स्टार्ट लर्निंग तबला इट इज स्प्रेड लाइक दिस द साउंड वोंट अपीयर. Then the control of the membrane. Okay, so it depends on each, means you have to be with your instrument, you have to understand the way or tabla is made, or you need to understand the way your hand reacts to the sound, or you need to understand, or you have to adapt to the playability style which you follow or which you like, which you prefer playing. Okay, then only you can understand the dynamics how to produce. I can tell you the technique of how to produce the finger positions and everything, how to produce a particular sound, but the sound projection, it is totally yours.
I can't play it like you, or you can't play it like me, okay? Or I can't play like any other tabla player, okay? So this has to be followed. You have to be with your instrument. You need to understand. Go and ask a tabla maker, ये चार्ट इतना क्यों काटे, इतना कम क्यों काटे, ओके? ही विल से हाउ द बायां रिएक्ट्स टू द वेदर कंडीशंस एंड सीजन्स ऑफ इंडिया. सो यू हैव टू आस्क ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाई द सिया इज सो थिक इन अ बिगर तबला, व्हाई इट इज द स्मॉलर तबला लाइक दिस वन हैज अ थिन सिया. यू हैव टू बी You have to get into the things, and that has to be, I believe that has to be done personally by visiting the maker's shop, or you have to visit the craftsman, okay? Thank you.